हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैफ क्रिएशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आजकल इंस्टाग्राम रील्स में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है डायमंड ब्लर इफेक्ट। तो अगर आप डायमंड ब्लर इफेक्ट के बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रीव्यू देख लीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पर डायमंड ब्लर इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। एंड इस टाइप की वीडियो आजकल इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आप इस टाइप की वीडियो को एडिट कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन से बहुत ही ईजी तरीके से। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से फॉलो करो। वहाँ पर भी मैं काफी अच्छी अच्छी पोस्ट अपलोड करते रहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, डायमंड ब्लर वाले इफेक्ट को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है कैपकट। आप लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे। तो यहाँ से मैं कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो हमारी वीडियो है जिसको हम एडिट करने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो वीडियो को हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी हमारी ये वीडियो है। एंड सबसे पहले मैं इसका ऑडियो है म्यूट कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। एंड अब आपको क्या करना है डायमंड ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए, तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर मिलता है राइट साइड में कॉर्नर में इफेक्ट्स का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। एंड दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स का एंड बॉडी इफेक्ट्स का। तो यहाँ पर आपको वीडियो इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा यहाँ पर डायमंड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डायमंड ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। एंड उसके बाद एक बार इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे ताकि हम इसकी और इंटेंसिटी वगैरह को एडजस्ट कर सकें। तो इंटेंसिटी को आप यहाँ पर 100% रख सकते हैं। एंड साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि डायमंड का साइज़ कितना रहेगा, छोटा या बड़ा, जो भी आपको सही लगे। यहाँ पर मैं 80% कर लेता हूँ। एंड स्पीड, हॉरिजॉन्टल, रोटेट, ये सब भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ से मैं डन पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमंड ब्लर वाला इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड ये रहा उसकी लेयर जो हमने अप्लाई अभी एडिट की है। तो आप चाहें तो इसका ड्यूरेशन भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने टाइम तक भी आपको ब्लर चाहिए। एंड अगर आपको ये ब्लर कम लग रहा हो तो इसके लिए भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमारा इफेक्ट है उसकी लेयर पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पर दो लेयर्स आ चुकी हैं, एक ये वाली एंड एक ये वाली। तो आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाली लेयर है उसको आपको प्रेस करके रखना है। एंड उसके बाद नीचे करके उसको लेफ्ट साइड में आपको स्क्रॉल कर लेना है। एंड ये हमारी लेयर के नीचे एक और लेयर आ चुकी है। एंड जो हमारा ब्लर है वो यहाँ पर डबल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर ब्लर एडिट हो चुका है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना इसी वीडियो को आगे देखने के लिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।